भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं हाई ग्राफिक्स ओपन वर्ल्ड गेम फॉर लो एंड पीसी लैपटॉप और आप गूगल पे सर्च कर करके थक गए फिर भी आपको कुछ हाई ग्राफिक्स ओपन वर्ल्ड गेम नहीं मिल पा रहे, तो वेल गाइस आप बिल्कुल सही वीडियो पे, क्योंकि इस वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 11 हाई ग्राफिक ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम लेके आया हूं आपके लो एंड पीसी लैपटॉप के लिए, जो बिना ग्राफिक कार्ड्स के मक्खन जैसे चलेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो यार, नीचे जो लाल का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, क्योंकि जैसी कोई भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है रेड फ्रैक्चर। गोरिल्ला की बात करें तो वेल गाइस एक थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, इसे डेवलप किया वैल्यूएशन के द्वारा। गेम आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। की स्टोरी की बात करें तो वेल गाइस गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है 2125 के टाइमलाइन पे। जो मिशन कंप्लीट होता है दोस्तों वो मार्स पे होता है, एंड मार्स में बेसिकली एक संगठन आ जाता है जिसका नाम रेड फ्रैक्शंस रहता है। तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि अपने जितने भी लोकल सिटीजन रहते हैं उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है उसका नाम अलेक्जेंडर मेसन रहता है। तो वो क्या करता है, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक जंग छेड़ देता है, एंड यहाँ पर यार काफ़ी घमासान यहाँ पर फाइट होता है आपके बीच और मार्स के गवर्नमेंट के बीच। तो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको मिशंस देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा, एंड इस गेम का जो मिशन दोस्तों वो भी काफी इंटरेस्टिंग, आपको काफी सारे चैलेंजिंग मिशंस देखने कंप्लीट करने को मिलेंगे। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छे ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो वेल गाइस रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 512 MB नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 15 GB के आसपास स्पेस खाली रख रहा है इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सैंट्रो 2। एंड दोस्तों सैंट्रो 2 की बात करें तो एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया वैल्यूएशन के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। एंड वेल गाइस इस गेम को रिलीज किया गया था 2006 को, एंड ये काफी पॉपुलर गेम है दोस्तों, अभी भी काफी सारे लोग इस गेम को प्ले करते हैं। तो वेल गाइस ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरी की बात करें आपको मजेदार इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ GTA 5 का यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो पूरा आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाता है, सेम एज इट इज मिशंस यहाँ पर आपको कंप्लीट करने को मिलते हैं, काफी सारे कार्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर, आप वो हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो, कार चला सकते हो, इधर उधर भटक भटक सकते हो। कंप्लीटिंग मिशन दोस्तों इस गेम में भी आपको काफी सारे चैलेंजिंग मिशंस कंप्लीट करने को मिलेंगे। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी मिल जाता है दोस्तों एज पर अपना यार सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 20 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है इस गेम को खेलने का तो कूद फांद के जाओ इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। थर्ड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है ड्राइवर 3। एंड ड्राइवर 3 की बात करें 2004 का एक काफी पॉपुलर एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, डेवलप किया गया रिफ्लेक्शन इंटरेक्टिव के द्वारा। ये गेम दोस्तों आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरी की बात करें दोस्तों गेम में आप एक डिटेक्टिव का किरदार निभाते हो, जहां पर आपको अपने शहर में आए दिन जो भी क्राइम्स होते हैं उसे आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है एंड उसे सॉल्व करना पड़ता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों यहां पर आप सॉल्व करते करते यहां पर आपके साथ जो लोकल गैंग है उसके साथ पंगा हो जाता है, एंड यहां पर आपके ऊपर वो कुछ प्रॉब्लम्स यार क्रिएट कर देते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते आपको मिशंस को कंप्लीट करना है। साइड साइड जब आप मिशंस कंप्लीट करोगे तो यहाँ पर आप अलग अलग सिटी पे ट्रैवल करोगे, एंड जो एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, एंड काफ़ी OP गेम है दोस्तों। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम खोज रहे इसमें काफ़ी सारा एक्शन भरा हो तो भैया ड्राइवर 3 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें दोस्तों मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो 20 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है डिटेक्टिव बन लिया जाए तो खुद फान के जाओ इस गेम को इंस्टॉल करो। तो वेल गाइस इसी के साथ पढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। जो मेरा फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है Far Cry 2। एंड दोस्तों Far Cry 2 की बात करें तो 2008 का एक फर्स्ट पर्सन शूटर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम। इनका स्टोरी दोस्तों पूरा अफ्रीकन कंट्री में बेस्ड है, जहां पर दो रिवल ग्रुप में दोस्तों सिविल वॉर चल रहा है। एक रिवल ग्रुप का नाम APR रहता है और दूसरे रिवल ग्रुप UFLL रहता है। दोनों आपस में एक हीरे के खदान के लिए दोनों के बीच वॉर चल रहा है। एंड यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है दोस्तों उसे एक आर्म डीलर को पकड़ने के लिए अफ्रीकन कंट्री में भेजा जाता है।
एंड वेल गाइस यहां से जो है मेन स्टोरी स्टार्ट होता है। बात करें तो वेल गाइस गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहां पर आपको काफी एडवेंचरस से भरा हुआ आपको मिशंस देखने को मिलने वाला है। टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहाँ पर आप पूरा आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा, मतलब पूरा अफ्रीकन कंट्री को यहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इधर उधर भटक फिटक सकते हो, कार वार चला सकते हो, जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो वेल गाइस डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 15 GB के आसपास स्पेस खाली लगना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार थोड़ा अफ्रीकन कंट्री घूम लिया जाए तो कूद फान के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 5th गेम के ऊपर। जो मेरा 5th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है जस्ट कॉज 2। एंड दिस इज जस्ट कॉज 2 की बात करें तो एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम है। स्टोरी की बात करें दोस्तों तो गेम स्टार्ट होती है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट रिको से, जो कि एक अंडरकवर एजेंट कॉप रहता है एंड उसे एक साउथ ईस्ट के एशियन आइलैंड में मिशंस कंप्लीट करने के लिए भेजा जाता है। आइलैंड की आर्मी के साथ फाइट करना पड़ता है, तो काफी इंटरेस्टिंग गेम है दोस्तों। मिशंस कंप्लीट करोगे तो यहां पर आपको भर भर के एक्शन और एडवेंचर का मजा आने वाला है, क्योंकि इस गेम में आपको काफी मजेदार मिशंस देखने को मिलने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छा है एंड जो आपको एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। मतलब आफ्टर मिशन कंप्लीट करने के बाद उधर भटक सकते हो, हर एक चीज कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 में नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 15 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है एक अंडरकवर एजेंट बनने का तो खुद फान के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 6th गेम के ऊपर। जो मेरा 6th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है माफिया द सिटी ऑफ लॉस्ट हेवन। बात करें तो एक ओपन वर्ल्ड एक्शन एडवेंचर वीडियो गेम। स्टोरी दोस्तों स्टार्ट होती है 1930 फिक्शनल सिटी पे लॉस्ट हेवन पे, जहां पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट न्यूयॉर्क से लॉस्ट हेवन आता है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। बट यार यहां पर उसे एक टैक्सी ड्राइवर का जॉब मिलता है एंड वाइल कंप्लीटिंग अपना जो भी अपना जॉब वो कंप्लीट करता है उससे एक वहां पर उसे एक गैंगस्टर से मुलाकात होती है जिसका नाम पॉली रहता है एंड यहां पर जो पॉली के रिविल ग्रुप रहते हैं वो पॉली के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहां पर टॉमी उसे प्रोटेक्ट करता है एंड यहीं से जो दोस्तों है हमारा मेन स्टोरी स्टार्ट हो जाता है। यहां पर पॉली उसे अपने जो बोलते हैं मेंटर जो डॉन्स के हेड रहते हैं उनके पास ले जाता है एंड उसे गैंग में शामिल कर लेता है एंड यहां पर टॉमी एंड पॉली दोनों मिलके यार जो भी अपना आगे का मिशन से वो कंप्लीट करते हैं। तो गेम में भैया एक्शन एडवेंचर भर भर के एंड अगर आप एक गैंगस्टर वाला गेम खोज रहे हैं मिशंस रहे तो भैया ये गेम सिर्फ आप ही के लिए। टोटली ओपन वर्ल्ड है दोस्तों एंड ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको मिल जाता है एज पर अपना सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। प्रोसेसर की बात करें तो कोई भी प्रोसेसर में ये गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 10 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपकी पीसी या लैपटॉप पर इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आप भी खेलना चाहते हैं गैंगस्टर वाला यार गेम तो भैया कूद फान के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ पढ़ते हैं हमारे 7th गेम के ऊपर। ऑलराइट तो वेल गाइस जो मेरा 7th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है फॉलआउट न्यू वेगास। जी हाँ दोस्तों फॉलआउट न्यू वेगास की बात करें 2010 का एक काफी पॉपुलर एक्शन रोल प्ले ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया एंटरटेनमेंट के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। की स्टोरी की बात करें तो वेल गाइस गेम की स्टोरी स्टार्ट होती है ईयर 2081 में, जहां 12 साल के बाद पूरी दुनिया न्यूक्लियर अटैक से तबाह हो चुकी है एंड यहां पर गवर्नमेंट का कोई भी वजूद नहीं है। यहां पर एक टाइप का सिविलाइजेशन वॉर चालू हो जाता है। मेन स्टोरी स्टार्ट होती है यहां पर आपको अपना मिशंस को कंप्लीट करना रहता है। वाइल्ड मिशन कंप्लीटिंग दोस्तों आपको काफी चैलेंजिंग मिशंस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ गेम दोस्तों ओपन वर्ल्ड है पूरा, यहां पर आपको ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट का यहां पर एक्सपीरियंस होने वाला है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी मिल जाता है। की बात करें तो वेल गाइस रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मेरे 512 MB नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात करें तो वेल गाइस डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 10 GB के आसपास स्पेस खाली लगना अपने पीसीएल लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। कई मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का तो वेल गाइस रुके हुए क्यों, कूद फान के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। हमारा 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है रिजन। एक्शन रोल प्ले ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है एंड इसे पब्लिश किया गया डीप सिल्वर के द्वारा। बेसिकली ये गेम भी दोस्तों आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। स्टोरी स्टार्ट होती है फर्गा आइलैंड से, जहां पर आपका जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो वहां एज अ वर्कर के लिए जाता है। आपको सर्वाइव करना पड़ता है उस आइलैंड
आइलैंड में आपको यहाँ पर अलग अलग टास्क दिए जाते हैं एंड वाइल्ड कंप्लीटिंग टास्क यहाँ पर आपको अलग अलग क्रिएचर्स का सामना करना पड़ेगा। मतलब एक तरह का दोस्तों एक सर्वाइवर वीडियो गेम है एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिस्टीरियस मिशन देखने को मिलेंगे एंड जो आपको एनवायरमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 256 MB नीड है दोस्तों। प्रोसेसर की बात तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 7 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आप ही एक सर्वाइवर वीडियो गेम खेलना चाहते हैं तो ये गेम सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है और कूद फन के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। ऑलराइट तो वेल गाइस जो मैं 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बुली स्कॉलरशिप एडिशन। आर्ट का एक काफी पॉपुलर वीडियो गेम रह चुका है। जी हां, इस गेम को डेवलप एंड रिलीज किया गया रॉकस्टार गेम्स के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो एक स्टूडेंट रहता है एंड उसका नाम रहता है जिमी हॉकिंस। तो बेसिकली वो एक इंटरनेशनल बोर्डिंग स्कूल में पापा उसे एडमिशन वहां पर करवा देते हैं, वो काफी शरारती बच्चा रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एज अ स्टूडेंट लाइफ यहाँ पर आपको मिशंस कंप्लीट करना है। जो भी हमारे बोर्डिंग स्कूल या स्टूडेंट लाइफ में अपने कुछ फेस करना रहता है तो बेसिकली इस गेम में आपको वही सब मिशंस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आए दिन आपको अपने टीचर से अच्छा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे एंड जो भी आपको चैलेंजेस एक स्टूडेंट लाइफ में आपको फेस करने को मिलते हैं तो वो सभी चीज़ इसमें आपको मिशंस में देखने को मिलेंगे। मिशन की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ मिशंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। साथ साथ जो एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा गेम का वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। गेम की बात करें तो गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छा है। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 10 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वेल गाइस अगर आप भी एक स्टूडेंट लाइफ वाला खेलना चाहते हैं तो वेल गाइस ये गेम सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। अब किस लेवल के हो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन। मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है मैड आउट गेम्स के द्वारा। गेम की बात कर लैपटॉप पे GTA 5 चल नहीं पाता और आप एज इट इज सेम ग्राफिक्स का गेम खेलना चाहते हैं तो भैया मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। सेम एज इट इज यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के साथ मिशन देखने को मिलते हैं, अमेजिंग कार्स देखने को मिलते हैं एंड साथ साथ सबसे अच्छी बात है कि इस गेम का मैप पूरा ओपन वर्ल्ड है। एज इट इज जैसे अपन GTA 5 में इधर रोम करते हैं मिशन करने के बाद टू बिग सिटी ऑनलाइन में कर सकते हैं। तो गेम ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, मतलब अपने दोस्तों के साथ आप मल्टीप्लेयर भी इस गेम में खेल सकते हैं। बात करें तो भैया नेक्स्ट लेवल का ग्राफिक्स क्वालिटी है। अगर आपके पास एक लो इन PC या लैपटॉप है तो इस गेम को यार जरूर प्ले करना। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो i3 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 2 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका ही मन कर रहा है इस गेम को प्ले करने का तो कूद फान के जाओ एंड इस गेम को प्ले कर लो। तो वेल गाइस इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे 11th गेम के ऊपर। जो हमारा 11th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है फेबल। बात करें तो फेबल एक एक्शन एडवेंचर रोल प्लेइंग वीडियो गेम है जिसे डेवलप एंड पब्लिश किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम की स्टोरी की बात करें तो वेल गाइस गेम का जो स्टोरी है फैंटेसी वर्ल्ड पे बेस्ड है जहां पर आपको गोस्ट भी देखने को मिलेंगे, किंग भी देखने को मिलेंगे, क्वीन भी मिलेंगे एंड मैजिक भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली एक मैजिकल वर्ल्ड गेम है दोस्तों एंड जो हमारा बंदा रहता है, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है वो एक छोटे से विलेज से बिलोंग कर, जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट रहता है उसे अपना जो भी नेचुरल पावर रहता है उसे फाइंड करना पड़ता है एंड उसे यार जागरूक करना पड़ता है। तो यार काफी अमेजिंग गेम है, आपको जरूर से इस गेम को प्ले करना चाहिए। गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है दोस्तों, यहाँ पर आपको काफी इंटरेस्टिंग मिशंस कंप्लीट करने को मिलेंगे। ओपन वर्ल्ड है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा वो ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। ग्राफिक्स क्वालिटी भी काफी अच्छा है गेम्स। इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में भी ये गेम चल जाएगा। स्पेस की बात 7 GB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आप भी चाहते हैं इस गेम को प्ले करना तो किस लेयर हो गए खुद फान के जाओ एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस यही कुछ 11 ओपन वर्ल्ड गेम थे आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप के लिए। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों से जरूर शेयर करना जिनके पास लो एंड पीसी और नए ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।